लोग आए घुसुट तुम लोग को हम का कहें। 80-85 साल की उम्र हो गई, हम लोग ऐसी सरकार कभी नहीं देखे, अंग्रेजों सारण के हम देखले हैं समझ, अंग्रेजनों के देखले हैं। उनको तो उनका सार ही हरवाएंगे, साल हरवा देंगे आदमी नहीं हरवाएंगे, उनका सार ही उनको हरवा देंगे। योगी मोदी तक सुना चल रहा है हमारे क्षेत्र में ज्यादा करके, यही चल रहा है मोदी योगी वाले हैं सब। कुछ लोग कह रहे हैं विधायक जी की शक्ल भी नहीं देखे हैं, हमारे पास प्रूफ भी है फोटो के साथ वीडियो के साथ, विधायक जी यहाँ पे एक बार नहीं पिछले 2.5 साल में कम से कम हमें लग रहा है कि 8-10 बार तो आए ही होंगे। हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं और हम चाहेंगे कि आगे भी बीजेपी सरकार बने। देखिए विकल्प तो अखिलेश यादव ही हैं, लेकिन अखिलेश यादव के सामने भी एक चैलेंज है, क्योंकि ओवैसी ने आके जो लोगों के मन में एक सवाल जगा दिया है हिस्सेदारी का, अगर अखिलेश यादव भी इस बार आके अगर सही न्याय नहीं करेंगे तो जो माइनॉरिटी हो सकता है अगली बार वो भी अपना विकल्प ढूंढे। चाहता हूँ अपर्णा यादव बिष्ट थी और जहाँ उनका मुकाम था उस मुकाम पे चली गई, हम इसको धन्यवाद देते हैं। देर आया दुरुस्त आया, नहीं हा? हमारा कुछ है नहीं, खेतों नहीं है, राशन नहीं मिलता है। आप मोदी पर बहुत खुश है, भूखे तो मर्द ने का सोचे थे ठेला चला, हमारे राशन में ना सब तो कटा गए, पहले मिलत रहे, पहले मिलत सुल्तानपुर डीए पकड़ के राशन में कटा गए तो मिलेगा क्या, कटार मिलेगा, ठेला चला रहा हूँ, बोनी नहीं हुआ। नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है घोसी लाइव में। इस वक्त हम मौजूद हैं घोसी विधानसभा के सुल्तानपुर बाजार में। जैसा कि हमें मालूम है कि चुनावी अधिसूचना पूरे प्रदेश में लागू हो चुकी है और 7 चरणों में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं, और यहां का चुनाव 7वें चरण में यानी 7 मार्च को चुनाव होना है। इस घोसी विधानसभा के लोगों को 2 चुनाव झेलने पड़े, विधानसभा के 2017 में चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी के फागू चौहान यहाँ से चुनाव जीते, लेकिन 2 साल बाद उन्हें पड़ोसी राज्य का महामहिम राज्यपाल बना दिया गया। राज्यपाल बनने के बाद उपचुनाव हुए और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने युवा नेता विजय राजभर पर दाव खेला और उस दाव में सफल हुए, और इस वक्त विजय राजभर यहाँ पर मौजूदा विधायक हैं। हम जैसा हमने शुरू में बताया कि हम घोसी विधानसभा के सुल्तानपुर बाजार में हैं। विजय राजभर जी का 2.5 साल का कार्यकाल होने को है, किस तरह का उनका विकास रहा है हम सीधे जनता के बीच लोगों से जानना चाहेंगे कि उनके विकास से कहां तक संतुष्ट है और कहां तक देखते हैं। क्या नाम पड़ेगा? भूतपूर्व सैनिक राजमंगल अहिर। विधायक विजय राजभर जी हैं यहाँ पर ना? अब हम सकल भी नहीं देखे, नाम जानते हैं ना? अच्छा अच्छा, फोन पर बात भी हो। अच्छा अच्छा, उनका जो विकास कार्य है, मतलब 2.5 साल का कार्यकाल मिला उनको, 2.5 साल में विकास उनका दिखा? हमारे समझ से जीरो हैं। जीरो हैं, नहीं दिखा विकास, यानी उनके विकास कार्यों से संतुष्ट नहीं आप? बिल्कुल नहीं। अच्छा, उनकी जो सरकार चल रही है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में, उसके कार्यों से कहां तक संतुष्ट? 25%। 25%? किन मुद्दों पर 25%? जैसे कश्मीर का मुद्दा था, राम मंदिर का मुद्दा था, किसानों का राशन फ्री मिल रहा है, और छोटे मोटे का दो काम, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा। तो क्या माहौल चल रहा है अब? भाई जनता है, अब जिसके ऊपर अपना बटन दबाए। नहीं तो भी माहौल क्या चल रहा है? माहौल अभी सपा का ही चल रहा है फिलहाल। सपा का माहौल। देखिए इन्होंने सरकार उनकी है, कोई घोल मथोल ना हुआ। अच्छा अच्छा, तो ये डर है क्या आप लोग? बिल्कुल डर है। हाँ? बिल्कुल डर है। बिल्कुल बिल्कुल, समर्थ के नहीं दोष गुसाई। अच्छा। जो आदमी समर्थवान है वो चाहे उल्टा करता है सीधा करता है उसको कोई दोष नहीं, समाज लगाता, भगवान तो लगाते हैं। अच्छा। लेकिन ये समाज नहीं लगाता। यानी आपके हिसाब से अगर कोई घाल मेल नहीं हो रहा तो समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए चाचा जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का माहौल चल रहा है और कोई सरकार द्वारा घाल मेल या घोल माल नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। मेरे बीच में और भी युवा, उनसे पूछे क्या नाम पड़ेगा? अखिलेश गौतम। अरे नाम हम पूछ रहे हैं, अखिलेश गौतम। हाँ, अखिलेश गौतम है नाम में। विजय राजभर जी का जो विकास उकास दिख रहा है? कुछ भी जो भी दिख रहा है, लेकिन उस चीज में मैं यही कहूँगा कि भाई इस बार समाजवादी पार्टी ही को आना चाहिए,
क्योंकि विकास के मामले में भी और सब चीज के मामले में अखिलेश भैया जिंदाबाद। अरे तो बाबा अभी तो महीना में दो बार राशन वासन तो दे रहे हैं। तो राशन से का मतलब बटे है, पांच में पूर्वांचल एक्सप्रेस बन गया, क्या क्या बन गया, तो जिसे आई 2 किलो राशन दे थे तो उसे काम चल जाये। अच्छा। अखिलेश भैया हमके रोजगार दे थे, अखिलेश भैया जिंदाबाद। अच्छा, देखिए युवा इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हमको रोजगार देंगे और राशन से बड़ा मुद्दा रोजगार का है, हम अखिलेश भैया वोट देंगे। देखिए क्या नाम पड़ेगा? राम पद। ये बताइए कि विधायक विजय राजभर जी रहे यहाँ पर, विकास कार्य वगैरह उनका दिखा? कुछ काम नहीं हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ? नहीं ना, वो दिखाई कभी दिए? दिखाई भी नहीं दिए, काम भी नहीं दिखा, वो भी नहीं दिखे। नहीं, किसी से पूछ लीजिए, कभी दिखाई तक नहीं दिए। अच्छा अच्छा, कितने लोग चेहरा आज तक नहीं देखा? हम लोग खुद नहीं देखे हैं जो की बराबर रोड पर रहते हैं। अच्छा अच्छा, दूसरे लोग का देखेंगे? उनकी सरकार का काम, सरकार तो मनो पूछना ही नहीं है, जो कर रही है अच्छे कर रही है, सब जब उनसे जो है नाराज है, नाराज है। सब लोग तो राशन वासन खूब पा रहे हैं। अरे राशन की क्या बात है, 2 किलो राशन दे दिया, असली गरीबों का मट्टी का तेल था वो सब बंद करा दिए, बरियाई से लाइन दे दिए, अब बिजली का बिल इतना बढ़ा दिया कि सब लोग परेशान है। कितना समाज को झेलना पड़ा पूरे भारतवर्ष को, जो नोटबंदी चली थी इन्हीं जोगी और मोदी का चलाया हुआ है। यानी नोटबंदी का असर इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? कितने आदमी पैसा रहते हुए भूखे मर गए, बैंक बंद, कचहरी बंद, कोर्ट बंद, बाजार बंद, तो कहाँ जाएगा गरीब आदमी? वो तो डेली काम करेगा और शाम को ले आएगा तो अपना खाएगा, ठाट मार के सोएगा। यानी नोटबंदी का मुद्दा रहेगा इस चुनाव में? बिल्कुल। और भी युवा है उनसे भी बात करें, क्या नाम पड़ेगा? परदेशी चाट वाले हैं भाई, यहीं। अच्छा, परदेशी चाट वाले। चलिए, ये सरकार का जो काम काज चल रहा है उससे कहाँ तक संतुष्ट हैं? हम ठीक है, बढ़िया है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मस्त पड़े हैं, एकदम मस्त एकदम, जितना जितना मस्त है। तो किस किस का माहौल चल रहा है? आइए, योगी मोदी तक सुना है, चल रहा है हमारे क्षेत्र में ज्यादा करके, यही चल रहा है, पूरे काम मोदी योगी वाले हैं सब। यानी उनके काम से संतुष्ट हैं आप? हम ठीक है, हमको 200 पा रहे 300 पा रहे हैं, 100 रुपया खाएंगे पिएंगे, मस्त रहेंगे, खाएंगे क्या, हमको दिक्कत का, नौकरी थोड़ी हमें करेगा। अच्छा अच्छा, अखिलेश जी ने जो काम किया है उत्तर प्रदेश के लिए, आज तक हमारे क्षेत्र में कल्पनाथ ही करके मर गए, कल्पनाथ रहा है, लेकिन जनता ने उनको कभी वोट से नहीं जिताया, लेकिन वो इंदिरा गांधी के समय में थे, चूंकि उससे लड़ झगड़ के, जैसे आप हमारी कचहरी देख लीजिए मऊ की, ओवरब्रिज देख लीजिए, लगान माफ किया किसानों का, नहर का लगान प्रस जो सरकारी लगान लगता था वो, उसके बाद उन्होंने हर बेरोजगार जवानों को जो बीए पास थे उनको 500 रुपया महीना के हिसाब से वेतन भत्ता दिया, जिनकी लड़की कुंवारी थी वो लोग असहाय थे, गरीब थे, उनके लिए 20,000 रुपया कन्यादान दिया, और भी बहुत से काम जो अखिलेश ने किया है उसी को ये लोग दोहरा रहे हैं। उन्हीं को दोहरा? हाँ, जो वैकेंसियाँ जैसे जमानों के लिए निकलती हैं, इनके राज्य में कौ सब कुछ रहते हुए ये ध्यान दिए, और मायावती के साथ में इनका गठबंधन हुआ, जबकि मुलायम सिंह ने मना कर रखा था कि आप उसके चक्कर में मत पड़ो, यही मऊ में आए थे डांडी में, उसमें हम भी गए थे, जिसमें अखिलेश जी और मायावती जी आई थी, और जब चुनाव गिनती हो लिया तो मायावती ने तुरंत अखिलेश को बाहर कर दिया, जो 11-12 सीट सपा को मिलनी थी वो मायावती को मिली। और भी कोई सुखरू पूर्व की बातों को छोड़ दिए, मतलब वर्तमान में आपका कहना का मतलब अखिलेश का माहौल चल जी? राजहंस यादव। अच्छा, राजहंस जी विधायक विजय राजभर जी हैं, 2.5 साल का कार्यकाल रहा उनका, लेकिन विकास कार्यों से कहां तक संतुष्ट हूँ? विकास दिख रहा है उनका? जी जरूर दिख रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है कुछ बता दें। विधायक जी संसद में भी हमारे क्षेत्र के लिए
क्षेत्र के विकास के लिए संसद में भी आवाज़ उठाए। अब संसद में नहीं, विधानसभा, विधानसभा में अब तक जितने भी मतलब विधायक हुए, कोई संसद में जाकर विधानसभा में जाकर के एक शब्द भी अपने क्षेत्र के लिए नहीं बोला, और जो भी थे दूसरे जिले के थे, यूपी के नहीं थे। और भाई कुछ उस पर कार्य भी हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। अभी हम सुने हैं कि विधायक, कुछ लोग कह रहे हैं विधायक जी की शक्ल भी नहीं देखे हैं, हमारे पास प्रूफ भी है फोटो के साथ वीडियो के साथ। विधायक जी यहाँ पे एक बार नहीं, पिछले ढाई साल में कम से कम हमें लग रहा है कि 8-10 बार तो आए ही होंगे। और आने के बाद ये भी नहीं कि किसी एक जगह किसी एक स्थान पे वो बैठे हों, आने के बाद दुकानदारों से मिले हैं, ये नहीं कि केवल एक जगह बैठ जाए। आने के बाद जितने भी दुकानदार हैं चट्टी पे पैदल चलते हुए सबसे जनसंपर्क किए हैं, सबसे पूछे भी हैं कि हाँ आपको क्या दिक्कत है, जो भी परेशानियाँ आप हमसे कह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं सुने हो। अच्छा, उनकी सरकार के जो कार्य चल रहे हैं कहाँ तक संतुष्ट हैं? हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं, और हम चाहेंगे कि आगे भी बीजेपी सरकार बने। आगे बीजेपी सरकार बने। क्या नाम पड़ेगा? तारिक सुल्तानी नाम है मेरा। आज हम चीज़ें कहा कि मतलब कार्य उनका बड़ा संतुष्ट रहा, जो सरकार चल रही है, आप कहाँ तक संतुष्ट? देखिए, जहाँ तक संतुष्टि की बात है तो हम तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, लेकिन सरकारें होती हैं जनता के कार्य करने के लिए। कोई भी सरकार है वो सार्वजनिक कार्य करने के लिए आती है। मैं समझता हूँ कि बदलाव होना होता रहना चाहिए, क्योंकि नई सरकार आएगी तो एक दूसरे के चक्कर में एक अच्छा काम करके दिखाएगी। जैसा कि आपने इस मुल्क में देखा है कि केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर साक्षरता दर 99% है, लोग पढ़े लिखे हैं, नौकरी वाले हैं, यानी उनकी कमाई की दर बड़ी यहाँ से 2-3 गुनी है। तो अगर उस लेवल पर यहाँ के लोग बदलाव लाएँ, हर मतलब 5 साल में नई सरकार चुन के दें, तो सरकार को ये मौका मिलेगा कि वो पिछली सरकार से अच्छा काम करके दिखाए, और उसका लाभ जो है पूरी जनता को मिलेगा। यानी आपके हिसाब से कि परिवर्तन हो जाना चाहिए, और जैसे सरकार जो तानाशाही रवैया अपनाती है वो नहीं अपनाएगी, और जनता के बीच विकास के ज़्यादा मापदंड आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तानाशाही उसी वक्त चलती है जब एक सरकार को बार बार आप लाएंगे, तो उसको जो है घमंड हो जाएगा और वो बार बार जनता को परेशान करेगी, तानाशाही रवैया अपनाएगी। तो मैं समझता हूँ बदलाव होना चाहिए, और जो भी जनता को अच्छा लगे, अखिलेश अच्छे लगे अखिलेश को लाएं, मायावती अच्छी लगे मायावती को लाएं, या जो भी विकल्प हो उनको लाएं, लेकिन बदलाव होना होते रहना चाहिए। आप विकल्प के रूप में किसको देख रहे हैं? अब मैं तो समझ रहा हूँ कि विकल्प यहाँ पे अखिलेश यादव जी हैं, और लोगों को साथ देना चाहिए। अब्दुल बासित, विकास दिख रहा है भाई। अभी राजहंस ने बताया, खुद ही बहुत अच्छा लड़का है, उनकी कमियों के ऊपर पर्दा डाला इसने, तो विकास तो दूर की रही बात, वो भी नज़र नहीं आई। हकीकत है, आए होंगे इंडिविजुअल मिले होंगे, लेकिन कहीं नज़र नहीं आए हैं। और रही सरकार की बात, तो बड़ा धोखा है इसमें, 5 किलो अनाज मुफ्त दे के 70 रुपये का कड़ुआ तेल 250 रुपया कर दिया गया। अगर यही तरक्की है तो इस तरक्की से हम बाहर आए। आज किसी की जेब में पैसा नहीं है, फल वाले लेके केला रखे केला बिक नहीं रखे क्योंकि जेब में पैसा नहीं है। कोरोना काल के अंदर जो यहाँ पे त्रासदी है, और दूसरी बात की सरकार ने जो लोगों में बंटवारा कर दिया है, जो तासुब भर दिया है, हम उससे दुखी हैं। हम सारे लोग एक साथ रहने वाले लोग थे, लेकिन इस सरकार ने जो ये रवैया अपनाया है, लोगों के बीच में जो दरार डाल दिया है, इसलिए इनका जाना, आपकी इनको जाना चाहिए। यानी परिवर्तन का मूड बना लिया? बिल्कुल, परिवर्तन का मूड बन गया, इनको जाना चाहिए। विकल्प देखें, विकल्प तो अखिलेश यादव ही हैं, लेकिन अखिलेश यादव के सामने भी एक चैलेंज है, क्योंकि ओवैसी ने आके जो लोगों के मन में एक सवाल जगा दिया है हिस्सेदारी का। अगर अखिलेश यादव भी इस बार आके अगर सही न्याय नहीं करेंगे, तो जो माइनॉरिटी हो सकता है अगली बार वो भी अपना विकल्प ढूंढे। तो अब जितनी सरकारें, चूँकि आप लोगों के माध्यम से जनता जागरूक हो चुकी है, और इसको अब अपना विकल्प चाहिए, अपनी हिस्सेदारी चाहिए, अपना हक चाहिए। आप चाहे कुछ भी हो, आप किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकते, और ये सरकार जो है जुल्म कर रही है। अच्छे लोगों को इसमें सताया गया है, और जो बुरे लोग थे, जो बैड एलिमेंट थे, उनको इसके अंदर वर्चस्व हुआ। सिर्फ कहने की बात है कि कानून करा दे, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज आप तहसील से लेकर थाने तक चले जाएं, सब चीज़ का रेट फिक्स है, हर चीज़ का रेट फिक्स है। इसके अंदर लोग ना कहें, लेकिन सारे लोग उससे मुतासिर होंगे। बस मुझे यही कहना है। उदय भान सिंह, भगवान जी, तो सरकार चल रही है प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, उसके कार्यों से कहां तक संतुष्ट?
संतुष्ट है पूरी तरह से। पूरी तरह संतुष्ट हैं, तो क्या माहौल चल रहा है? अच्छा चल रहा है, इस बार फिर बीजेपी सरकार आएगी। फिर बीजेपी सरकार आ रही है। 100% 100% और भी चेक किया, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम शम्स तबरेज है। तबरेज साहब, जो सरकार चल रही है प्रदेश में, अभी इन्होंने उदय भान जी ने बताया है कि 100% सरकार पुनः आ रही है, उसके कार्यों से 100%, आप कहाँ तक संतुष्ट? हम एकदम संतुष्ट नहीं हैं। ये सरकार आज़ादी के बाद से, ये सरकार संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा, देश रहेगा कि नहीं रहेगा, इस सवाल पे आपके मतदान होने जा रहा है। आपने देखा होगा, छात्र परेशान, नौजवान परेशान, किसान परेशान, कोई वर्ग का दुकानदार हो, कोई भी ऐसा नहीं कि जो न परेशान रहा हो, सेवाए परेशानी के। पूरे हिंदुस्तान में आज तक इस तरीके का नंगा नाच, चाहे महिलाएं हैं वो भी सुरक्षित नहीं हैं, आपने हाथरस में देखा, उन्नाव में देखा, सीतापुर में देखा, किसानों के ऊपर जो है जिस तरीके से इन्होंने चढ़ाने का काम किया, जो है उनको भी नहीं हटाया गृह मंत्री को, जब गृह मंत्री नहीं हट रहा है तो ये बताइए कि देश कहाँ सुरक्षित रहेगा। जब देश ही नहीं रहेगा तो हम लोकतंत्र में राज किस तरीके से करेंगे? आपको याद होगा जिस तरीके से चाइना के अंदर सिर्फ करीब करीब 27 लोग जो है वहाँ पे जो है 100 रुपये के जो है ला के सामान और 100 रुपये का वो बेचते थे, तो वहाँ के लोगों ने कहा जाके बादशाह से कि बादशाह इस सरकार को, यहाँ के लोगों को, इन लोगों को 27 लोगों को हटा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम हटा देते हैं। तो उन लोगों ने कहा, वहाँ के अवाम ने कहा कि जब ये लोग चले जाएंगे, यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, तो हम लोग भी जो है देश छोड़ के चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये था कि वह 100 रुपये का सामान लाते थे तो 110 रुपये में वो बेचते थे। आज आप देख रहे हैं, अभी एक साथी ने कहा कि 70 रुपये का तेल था, 250 रुपये का तेल मिल रहा है। आपको बता देना चाहता हूँ कि आप मिट्टी का तेल देख लें, डीजल देख लें, पेट्रोल देख लें, हमारे मुल्क से दूसरे मुल्क खरीदते हैं और यहाँ पे जो है सस्ते में तेल वहाँ उन मुल्कों में मिलता है, और जितने बॉर्डर के गांव हैं या बॉर्डर के ज़िले हैं सब वहाँ आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जो है इससे सस्ते वहाँ पे तेल ले रहे हैं। लेकिन रह गया सवाल, जब बादशाह के उन लोग गए तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है बादशाह सलामत, हमको 100 रुपये का मिल रहा है, 10 रुपये में हमें फ़ायदा है, तो हम ये बताइए कि इस तरीके से कहाँ जो है वो करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप लोग रहो, नहीं तो आज वही हाल है हमारे देश का कि जब यहाँ लोग छोड़ के चले जाएंगे तो फिर हम राज किस तरीके करेंगे। अभी हमारे एक बीजेपी के साथी कह रहे थे, वो भी हमारे भाइये हैं, भूल के चले गए तो उसको बड़ा भूला हुआ नहीं कहते, वो भी आ जाएंगे। लेकिन रह गया सवाल, उन्हीं को आपने देखा होगा जिस तरीके से अपमानित करने का काम आज पिछड़े के क्या हाल है, पिछड़ों को आपने देखा होगा कि किस तरीके से नंगा नाच किया जा रहा है, आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, हम जो है बेरोजगारी भत्ता समाजवादी पार्टी देने जा रही है, आपको लैपटॉप देने जा रही है। हमने किया है, हमने झूठा वादा नहीं किया है, इन्होंने तो झूठा वादा किया। आपके हिसाब से जो भाजपा ने वादे किए हैं झूठे वादे किए हैं और समाजवादी पार्टी सरकार आ रही है? बिल्कुल झूठे वादे किए हैं, इतना बड़ा झूठा। जब देश का बादशाह झूठा हो जाएगा तो वो देश कहाँ जाएगा? आपने देखा होगा अभी तो बोला कि लड़की पटाओ, अब बताइए देश का प्रधानमंत्री, देश का बादशाह, जहाँ इस तरीके की जो है गरिमा को उसको हमें बोलना क्या हो, इसकी तमीज ना हो, अब बताइए कि जो है लड़की पटाओ, अब इससे जो है गंदी जो है घिनौनी हरकत क्या होगी, अब इससे क्या 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 मतलब, अब इससे जल्दी क्या कहा जा सकता है? भगवान जी, ये तो पूरा आपका पलट मार दिए। ठीक है, मैं पहले ये देखिए, अखिलेश यादव जब अपने फैमिली को नहीं समझा पा रहे हैं, बुझा पा रहे हैं, तो दूसरे जनता को क्या करेंगे? पहले ये बताइए, एक और नहीं संभाल पा रहा है वो जनता को क्या संभालेगा? ये मामला था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी पे एक परिवारवाद का आरोप लगाते थे, तो उस हिसाब से तो परिवारवाद का आरोप तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रोक दिया। ठीक है, ठीक है, वो आप नहीं संभाल पाए तो पब्लिक को क्या संभालेंगे? उसमें इतने चाचा जान है, वो कितने चाचा जान उनको संभालेंगे, पहले बताइए। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े पैमाने पर विधायक और मंत्री भी छोड़कर भागे, तो इसमें से तो भागे हैं, ये थोड़ा ना है कि बस भाजपा से ही भागे हैं, उनके समधे भाई हरिओम यादव भागे हैं,
एक मंत्री जो जिम्मेदार पदों पर रहे, तीन तीन बड़े मंत्री, कैबिनेट मंत्री और विधायक छोड़कर चले गए। ठीक है, देखिए सब और उन्होंने भागते के साथ आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों की उपेक्षा है और वही इन्होंने कहा कि पिछड़ों की उपेक्षा की जा रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं, पिछड़ों की उपेक्षा ठीक है। वो लोग कह रहे हैं जो पाँच साल आपके वहाँ रह के आए हैं, वही ठीक है। भाई जवाब नहीं दे पा रहे, इनका जवाब मैं दे रहा हूँ। ठीक है, एक दो नहीं, राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट दिया गया, कलराज मिश्रा के बेटे को टिकट दिया गया, अभी मारामारी चल रही है रीता बहुगुणा जोशी उनके लड़के को टिकट का कर रहा है। और रह गया सवाल, इन्होंने परिवारवाद की बात कहा, इन्होंने नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अपर्णा यादव बिष्ट थी और जहां उनका मुकाम था उस मुकाम पे चली गई। हम इसको धन्यवाद देते हैं, देर आया दुरुस्त आया। जगदीश गुप्ता, गुप्ता जी जो सरकार चल रही है योगी आदित्यनाथ की, उसके कार्यों से कहां तक संतुष्ट? हम 100% संतुष्ट हूं कानून व्यवस्था से। अब बाकी जो बेरोजगारी है ये थोड़ा क्या माहौल चल रहा है? माहौल चल रहा है 50-50 का। 50-50 मतलब 50-50 कितना 50 किसको? 50 अखिलेश, 50-50 यानी 50% माहौल योगी का, 50% अखिलेश का। चाचा क्या नाम पड़ेगा? हमारा गुफरा नाम है। अच्छा, चाचा ये बताइए कि जो सरकार चल रही है प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की, उसके कार्यों से कहां तक संतुष्ट है? अरे संतुष्ट, अबे संतुष्ट का क्या पूछ रहे हैं, हम लोगों की तो 80-85 साल की उम्र हो गई। हम लोग ऐसी सरकार कभी नहीं देते, अंग्रेजों सारण के हम देखले हैं समझो, और अंग्रेजनों के देखले हैं। अभी लोग आए हमक लूट घुसुट लूट घुसुट कर रहे, सुन लग तो हम का कौन बाप, यही तो हाल है। हम लोग तो बहुत लोगों के देखें जा ए उम्र में, बहुत लोगों के जब भोपुआ लेके बजामे तो मन चलल जा भाग, वो जमाना देखें जा। अब तो खूब टेक्निक का जमाना है, टेक्निकल बहुत आगे है, जिसको जो जी में आता है वो बक्के बक्कर बकता रहे। हमारा मिशन जो है हम उसको चालू रखेंगे। बात क्या माहौल इस बार रहेगा? माहौल तो हम इतनी दूर से उतनी दूर कैसे कैसे चल के आए, हम क्या माहौल बताएं? जो यहाँ से वहाँ तक जाता है उससे आगे बढ़ नहीं पाता, वो क्या माहौल बताएगा? ये अपने बाजार में जो जिसको जी में आवे जो बक के, लेकिन यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ का माहौल अच्छा है? हाँ, यहाँ का माहौल। लेकिन सरकार के कार्य से संतुष्ट नाम नहीं भाई? हमने तो देखा भाई अंग्रेजन के भी। अच्छा, अब अंग्रेजन के भी देखली। अच्छा, अच्छा, अभी लोगन के देखते अडवी पुरी पुड़िया पकाए वाले लोगन के। अच्छा, हाँ तो कुल हम देखली। क्या नाम पड़ेगा? किशोर यादव। किशोर जी, जो सरकार चल रही है जी प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, उसके कार्यों से कहाँ तक संतुष्ट? एकदम नहीं संतुष्ट है हम नहीं संतुष्ट हैं। क्या दिक्कत लग रही है? महंगाई वहंगाई तमाम तरह की परेशानी है उनकी सरकार में। राशन वासन तो दे रहे हैं, दूध दूध हो दे रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। उससे कोई फायदा नहीं, दे रहे हैं, उठवे नहीं लगता तो मिली कौन? तो क्या माहौल इस बार रहेगा? हम अब की देव अखिलेश के जी। अब की देव मतलब पिछली बनिया के दूसरे के दिल रानी? नहीं दिल रानी नहीं कही। हाँ, अखिलेश हैदर अली बताइए कि जो सरकार चल रही है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, उसके कार्यों से कहां तक संतुष्ट हैं आप? सरकार के बारे में आम जनता का बयान देख ही रहे हैं, ज़्यादातर लोग नाराज चल रहे हैं। उन्होंने उनका एक लैंग्वेज निकला था कि 20 और 80, चाहे 80-20 कह लीजिए, तो 20% का वोटे नहीं मांग रहे हैं तो हम 20 वाले में बड़ी बिरादरी का वोट, ठाकुर पंडित का 19%, मुस्लिम का 20%, तो पहले ही कह दिया कि हमको 20% का वोट नहीं चाहिए, तो मैं कैसे किसको संतुष्ट मानूं? नाम तो नहीं लिया उन्होंने, सिर्फ 20 कहा था। हाँ कहा था, लेकिन ये सारा किसकी तरफ था तो आप बता दीजिए। यानी पूरी तरह से असंतुष्ट आप लग रहा है? संतुष्ट तो होते है, कोई भी मुख्यमंत्री प्रदेश का हो, वो हमारा राजा है। राजा अगर किसी ने हमने दिया वोट ये दिए तो राजा राजा होता है, लेकिन एक राजा ऐसा कहता है कि हमको 20 का वोट नहीं चाहिए, तो अब असंतुष्टि आपके ऊपर निर्भर करती है।
आप बहुत देर से परेशान थे, बताइए। परेशानी तो हमको क्या क्या नाम पड़ेगा आपका? नाम बताइए। मेरा नाम तो आलमगीर है। आलमगीर जी, बताइए आलमगीर जी, ये जो सरकार चल रही है उस सरकार से खुश खास हैं आप? हाँ, कुछ तो हमको मिलता था, लेकिन बाद में लोगों ने मेरा हर नमे में कटवा दिया। कटवाने के बाद एकदम मैं ये बोल रहा हूँ साफ साफ बात कि कटवाने वाले भी उन्हीं के आदमी, और देते हैं वही हमारे गुरुवर देते हैं, लेकिन गुरुवर से बढ़कर ये लोग कटवा दिए। कटवा दिए? बीच के लोग। बीच के लोग तो हमसे बड़ा गुरु तो वही है। राशन आपको नहीं मिलता है? राशन तो मिलता है। क्या कट गया? मेरा ये पेंशन कट गया जी। पहले मिलती थी? हाँ, 2 साल मिला है। फिर उसके बाद मैं परेशान हो गया, जाके कह रहा हूँ, कहते हैं लोग कि आता आएगा आएगा, नहीं आता है। और उसके बाद भी मैं ये भी कह रहा हूँ ठीक है, पेंशन नहीं मिल रहा है तो और जो भी ये मैं ये बिला शर्म कार्ड बनवा दिया, ये शर्म कार्ड है, लेकिन मैं भी वो शर्म कार्ड बनवा दिया। शर्म कार्ड बनवाने में उसमें भी पैसा नहीं आया, नहीं आया। अगर संबंधित अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हों तो देखें कि हम सुल्तानपुर में हैं, बड़राव ब्लॉक पड़ता है, ये आलमगीर जी हैं, और इन्होंने कहा कि इनको पेंशन मिलती थी और अब पेंशन इनकी बंद हो गई। संबंधित अधिकारी इसका जरूर संज्ञान ले। 2 साल मिला? 2 साल तक मिला था, 11 में मिला था हमको मार्च में, और उसके बाद बंद हो गया। ठीक ठीक। क्या नाम पड़ेगा आप? मनोज कुमार यादव। मनोज जी, विधायक विजय राजभर जी यहाँ के हैं। हम लोग तो उनको कभी देखे ही नहीं है। देखे नहीं? नहीं। काम उनका देखे? जब उनको ही नहीं देखे तो काम क्या देखेंगे। कभी कभी होता है कि वो नहीं दिखते हैं, काम दिखता है। जब वो खुद ही नहीं दिखेंगे तो कुछ काम ही, तो जब वो खुद ही नहीं दिखते हैं तो काम क्या दिखाएंगे। सरकार का काम, जब विधायक कोई रहेंगे तो सरकार क्या बढ़िया काम करेगी। सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो योजनाएं चल रही हैं उससे कहां तक संतुष्ट? कोई नहीं संतुष्ट है, बिल्कुल नहीं, नहीं। क्या 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 माहौल रहेगा? माहौल तो एकदम जीरो रहेगा। किसका माहौल बनेगा? अखिलेश यादव का। कन्फर्म का? एकदम क्लियर। रसनवा दो दो बार? रसनवा दो दो बार कोई अपने घर से नहीं, उससे तो ज्यादा गायब, उससे तो ज्यादा गाय भैंस गाय और सांड से चरा दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं। अच्छा, 5 किलो दे रहे हैं, कई कुंटल चरा दे रहे हैं। यानी इस साल का भी मुद्दा रहेगा क्या विधानसभा चुनाव में? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? एक बड़ा मुद्दा मानव के बाद एक जानवर का भी मुद्दा इस विधानसभा चुनाव में, बता रहे मनोज जी। रहेगा साढ़? एकदम रहेगा। अच्छा, उनको तो उनका साढ़ ही हरवाएंगे। साढ़ हरवा देंगे जी, जी। आदमी नहीं हरवाएंगे, साढ़ उनका साढ़ ही उनको हरवा देंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? जयराम यादव। जयराम जी, जो सरकार चल रही है उसके कार्यों से कहां तक संतुष्ट आप? इसके कार्यों से हम लोग एकदम संतुष्ट नहीं है। ये मुरझुमला सरकार केवल बात बोलती है, कोई साफ बात नहीं बोलती है। ये जनता को एकदम बेवकूफ़ बना कर रखी है। इनके न शासन से न इनके कारनामा से कुछ किसी भी चीज़ से जनता खुश नहीं है। अच्छा जी, क्या माहौल बन रहा है इस बार? माहौल जो भी बने, लेकिन ये सरकार जो है सबको एकदम संतुष्ट करके रखी है। अच्छा। कोई इनके कार्य से संतुष्ट नहीं है। ये जो राशन एक महीने में एक बार मिलता था, ये 2 बार दे रही हैं। ये राशन से क्या फ़ायदा भाई? राशन मिल रहा है दुकान पर, फिर यहाँ ले आकर दुकान पर बिक रहा है, उस राशन से क्या लाभ है? राशन उसको देना चाहिए जो खाने बिना मर रहा है, उसका जांच कराइए, उसको राशन दीजिए। सबको राशन देने से क्या फायदा है? आपके हिसाब से सरकार के कारण सर उसके लिए ठीक है जिसको ना नौकरी चाहिए, ना चाकरी चाहिए, ना कहीं काम धंधा चाहिए। जो अपना धंधा कर रहे हैं, रोज जी रहे हैं, खा रहे हैं, उनको न नौकरी से जरूरत है, न किराया भाड़ा देने की। राशन मिलते ना जगह एक बीसा खेते ना है। अच्छा, नाम मिला था? लाल बहादुर पासवान। लाल बहादुर पासवान। राशन राशन ना मिला? नहीं नहीं, हमारा कुछ है ही नहीं, खेतों नहीं है, राशन नहीं मिलता है। आप मोदी पर बहुत खुश हैं? मोदी पर यही खुश है? राशन ना मिला तो मोदी पर खुश भी है? मोदी पर इतना खुश है ना कि बहुत खुश हैं, ये लिए कि 2000 देते हैं तो उधर तेल में लेते हैं। हाँ, अब की बहुत बढ़िया से जीत जाएंगे। हाँ, बढ़िया से एक इधर कही ले जाए तो व्यंग बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, सही हकीकत बोल रहे हैं, हकीकत बोल रहे हैं, हकीकत बोल रहे हैं।
अखिलेश के देव अखिलेश के लोग कहत हमें कि लोग कहत हम कि अखिलेश का घरवे ना समरत हो। अरे घरवे के लोग भाग गइले कहे दा त कहा उनही का समरत बा। अच्छा जब उनका ना समरत बा त केहू के घर में के करे ना होला। अच्छा हां ब कहे दा। अच्छा मरवे क्या नाम पड़ेगा? भीम कुमार सर। अच्छा भीम जी जी विधायक विजय राजभर जी यहाँ पर। जी 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 काम दिखा उनका कुछ नहीं दिखा सर। दो साल ढाई साल रहे इस रास्ते पर भी नहीं दिखे तो काम क्या दिखाएगा उनका। अच्छा अच्छा जी नहीं दिखा। नहीं नहीं सरकार का काम सरकार से हम लोग संतुष्ट नहीं है सर। क्या दिक्कत है सरकार क्या दिक्कत है? कोई शिक्षक चाहे छात्रों के विषय में भी कोई अच्छी भर्ती चाहे नौकरी के बारे में वो भी नहीं ला रही है सरकार। हाँ जैसे देख लीजिए हाल ही में टेट का परीक्षा जो हुआ था निरस्त हो गया। हाँ तो ऐसे क्या है युवकों का फ्यूचर खराब हो रहा है सर। हाँ तो एजुकेशन की तो धजिया ही उड़ रही है। अन्य शिक्षा और रोजगार मुद्दा रहेगा जी रहेगा। हाँ? जी लोग भी तो क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम सालम है। सालम आइए आगे। हाँ तो क्या कर सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। सोच तो रहे हैं। नहीं कुछ नहीं सोच रहे हैं। क्या करेंगे भूखे तो मर जाए क्या सोचा था जा ठेला चला हमारे रसाना में ना सब तो कटा गए पहले मिलत रहे पहले मिले थे सुल्तानपुर जाकर डीए पकड़ के रसन में कटा गए तो मिलेगा क्या कटहर मिलेगा ठेला चला रहा हूँ बोनी नहीं हुआ है सोच रहा हूँ 150 मिल जाए। हाँ राशन भी नहीं मिला आपको? राशन भी नहीं मिलता है ना आधार कार्ड है ना कुछ है मेरे पास कुछ नहीं। कार्ड बना था? कार्ड बना था सुल्तानपुर का पहले था लेकिन अभी डीए पे हो गए हम लोग का कट गया पूरा। अच्छा नहीं मिलता? नहीं मिलता है। लेकिन सालम जी ठेला चलाते हैं उन्होंने कहा कि राशन कार्ड में इनका नाम था और इनका कट गया ना। और यहाँ पर हमने देखा लोगों की तमाम मिली जुली प्रतिक्रिया मिली तमाम सरकार से जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग थे उनके अपने दावे नज़र आए और जो विपक्ष में लोग थे उनके अपने आरोप थे। अब उनके सरकार के दावों और विपक्ष के आरोपों में कितना दम है ये तो आने वाला 10 मार्च बताएगा। लेकिन इसी तरह की चुनावी अपडेट के साथ अगले पड़ाव पर मैं कैमरामैन अजहान आलम के साथ शन्नू आज़मी फिर मिलते हैं। तब तक दीजिए धन्यवाद।